एंड्रॉयड रिपेयर चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एंड्रॉयड मोबाइल में सबसे बढ़िया वीडियो एडिटर कौन सी सॉफ्टवेयर है। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो ज़रूर से ज़रूर कर लेंगे सब्सक्राइब। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलनी है। मेरे हिसाब से एंड्रॉयड में एक सॉफ्टवेयर है जो मैं आपको बता देता हूँ, तो प्ले स्टोर या फिर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो पावर डायरेक्टर नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, पावर डायरेक्टर, ओके पावर डायरेक्टर, पावर डायरेक्टर। देखिए पावर डायरेक्टर नाम का यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर देखिए दो है, एक बंडल एडिशन यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट पावर डायरेक्टर। ओके, तो ठीक है, तो हमको पहला वाला या फिर ये वाला भी आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें कोई, तो मैं पहला वाला ही इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इंस्टॉल पहले से ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, तो आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं और डाउनलोड भी देख सकते हैं। यहाँ पर 10 मिलियन डाउनलोड और रेटिंग 4.4 की है, जो काफ़ी बहुत अच्छी है। तो आप इसकी यूट्यूब में वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसा सॉफ्टवेयर हमारा ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर अलाउ कुछ मांग रही है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आएगा, तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट टू स्टार्ट एडिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ पहले नाम लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ एंड्रॉयड रिपेयर। ठीक है, एंड्रॉयड रिपेयर, ओके तो हो गई और ओके। और यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बहुत सारे मतलब कि फोल्डर आ जाएंगे। यहाँ पर जैसे वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं आप, और यहाँ पर, और यहाँ पर इमेज है, और यहाँ पर सॉन्ग सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो मेरे मोबाइल में वीडियो है वो यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं एक वीडियो ले लेता हूँ। ओके, तो जैसा कि मैं कौन सा वीडियो ले लूँ, ठीक है, तो कोई मैं वीडियो ले लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं ये वाला अलोन ले लेता हूँ। ओके, तो ये वाला वीडियो हमने ले लिया। तो अब देखिए यहाँ पर काम कुछ देखिए, तो हमारा ये इस प्रकार से एडिटिंग स्टूडियो हो गया। ठीक है, यहाँ से तो ये आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर में देख सकते हैं, जैसे काइन मास्टर हो गया वगैरह वगैरह, उसमें भी कुछ ऐसा ही इंटरफेस रहता है। लेकिन इसमें बहुत सारी ये इसलिए बेटर है ज़्यादा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता देता हूँ कुछ कुछ फीचर्स, जैसा कि जैसे आपको इफेक्ट्स के बारे में जानना है, या फिर स्लाइड्स हो, या फिर इफेक्ट इसमें बहुत ही अच्छी तरह से दिया गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओवरले टेक्स्ट, और यहाँ पर आप टाइटल इमेज स्टिकर जो भी वगैरह देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपको एडिटिंग करने के लिए मैं बता देता हूँ कुछ कुछ उनका। तो जैसा कि यहाँ पर जैसे ही आप सेलेक्ट करें, यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर ये पेंसिल का, इसमें आप वॉल्यूम का, अगर आपका वीडियो आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं, या फिर कलर एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर रिवर्स को करना चाहते हैं वीडियो को उल्टा मिरर टाइप इफेक्ट में, आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रोटेशन वगैरह और वॉल्यूम इसकी कितनी रहनी चाहिए वो भी आप यहाँ से, ठीक है, कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको इफेक्ट डालना है, तो इफेक्ट मैं आपको डाल के दिखाता हूँ, ट्रांजिशन इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो है हमारा नाइफ का साइन है, यहाँ पर कट, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर स्प्लिट कर देगा दो भागों में वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक स्प्लिट हो गया। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो जैसे मान लीजिए कि ये जो वीडियो यहाँ पर प्ले हो रही है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट प्ले हो गई, लेकिन हम चाहते हैं कुछ यहाँ पर इफेक्ट आ जाए। ठीक है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और देखिए जैसे कि हम इसको प्ले आप कर, कुछ इस प्रकार से फेडिंग होगा स्क्रीन पर ये कुछ इस, सॉरी दोस्तों ये प्ले हुई नहीं, ओह तो मैं इसको ले लेता हूँ। ओके, प्लस पर क्लिक, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्लस पर क्लिक कर देना। ओके, और यहाँ पर देखिए ये इफेक्ट हमारी आ चुकी है, ट्रांजिशन इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं कैसी आखिर आई है। ओके, तो देखा आपने यहाँ पर जो ये कुछ इस प्रकार से ऐसा आया है, तो ये हमने अभी डाला है, तो आपने देखा ये होगी हमारे नॉर्मल से ट्रांजिशन इफेक्ट। और चाहते हैं कि हम यहाँ पर इफेक्ट डाल दें, तो इसको तो इस पर यहाँ पर लाना और यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ये वाला दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट्स हैं। तो चलिए इसको भी प्लस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हमने प्लस पर क्लिक करा,
तो यहाँ पर देखिए आ गया वो वाला इफेक्ट, तो चलिए इसका इफेक्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर छोटे छोटे भागों में यहाँ पर देखिए बन चुका है जैसा कि हमने इफेक्ट लिया था, और यहाँ पर ट्रांजिशन जो लिया था। तो ये हो गया हमारे, और चाहते हैं कि हम इस पर कुछ अपना टेक्स्ट वगैरह भी लिख सकें। ठीक है, तो टेक्स्ट वगैरह तो हम यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर कुछ लिखना है वीडियो के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना, ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ओ ये जो ये ओवरले का है इस पर क्लिक करना ओवरले, और यहाँ पर देखिए टाइटल। ठीक है, टाइटल पर क्लिक करते के साथ ही आपको बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर मिलेंगे जैसा कि देख रहे हैं आप, मतलब कि देखिए मैं जैसे आपको दिखाता हूँ कुछ इस प्रकार से घूमते घूमते आएंगे यहाँ पर टाइटल वगैरह आप जितना दूर तक। ठीक है, तो मैं यही वाला आपको लेके दिखाता हूँ, इस पर पी प्लस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर जो हमारा है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आएगा, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद जो आपको लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हो। ओके, तो एंड्रॉयड रिपेयर, ठीक है, एंड्रॉयड रिपेयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर ठीक है, और देखिए यहाँ पर दोस्तों कलर, इसकी कलर कुछ खास नहीं हमको लग रही है, तो आप इसकी कलर भी बदल सकते हो। ओके, तो यहाँ पर क्लिक करना पेंसिल पर, ठीक है, और टाइटल डिजाइनर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो टाइटल डिजाइनर पर आप यहाँ पर कलर जैसे कि मैं रेड ले लेता हूँ। ओके, रेड लेने के बाद और यहाँ पर देखिए फॉन्ट है, और ये इटैलिक आप जो वगैरह वगैरह लेना चाहते हैं, तो फॉन्ट यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो आप यहाँ से फॉन्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं ये वाला लेता हूँ, देखिए यहाँ पर फॉन्ट बदल गया। ठीक है, आप कलर भी और यहाँ पर कहाँ एडजस्ट करना आपको, और हो गया, और देखिए चलिए मैं बैक कर देता हूँ, और यहाँ पर आप इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ओके, तो मैं बड़ा कर दिया हूँ यहाँ पर, और ये वाला जो यहाँ पर शो करा कि आप ये जो एंड्रॉयड रिपेयर आता है आप कहाँ से कहाँ तक आप करना चाह कहाँ तक कहाँ से कहाँ तक वीडियो में आना चाहिए एंड्रॉयड रिपेयर। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ भी लिखा लिखा जो स्टाइल में यहाँ पर देखिए लिखा कुछ आएगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसा ये देखा आपने यहाँ पर एंड्रॉयड रिपेयर वगैरह वगैरह, तो आप यहाँ पर और ये हो गई, आप यहाँ पर फोटो भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप मेरे इंट्रो में देखते होंगे एंड्रॉयड रिपेयर जो आता है इंट्रो टेम्पलेट, तो मैंने इसमें ही डिजाइन कर रखी है, तो अगले ट्यूटोरियल में आपको इंट्रो टेम्पलेट डिजाइन करने के लिए बताऊंगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ फोटो कैसे डालना है। तो जैसा कि आप टेम्पलेट जो आपका चैनल तो आप बना सकते हैं, तो मैं हल्का सा डेमो यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ओवरले पर यहाँ पर, और यहाँ पर इमेज लेनी है, और इमेज पर जैसे कि कोई फोटो है आपके पास, तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये वाली फोटो है, तो मैं ये वाला लेता हूँ। ओके, और फोटो, ठीक है, तो फोटो हमारी ये कुछ इस प्रकार से, तो आप जितनी बड़ी इसको करना चाहते हो बड़ा, और एडिट, और इसको ओपासिटी मतलब कि ये कितना मतलब कि वीडियो पर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए या फिर कुछ, तो आप ओपासिटी भी यहाँ से चूज कर सकते हो। ओके, तो ओपासिटी आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका इफेक्ट देख लिया आपने, यहाँ पर ओपासिटी ये होता है। ठीक है, ओपासिटी, ठीक है, आप और यहाँ से आप जितना दूर तक इसको ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हो। ओके, तो चलिए मैं इसको ही दिखा देता हूँ आपको, तो हमारा कुछ इस प्रकार से हो गया। तो आपने देखा यहाँ पर मैंने आपको तीन चार इफेक्ट यहाँ पर बता दिए, और रही बात यहाँ पर ऑडियो की, तो ऑडियो की, तो ऑडियो जैसे कि इस ट्रैक की ऑडियो आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, सॉरी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो गया वीडियो, ये है इमेज, और यहाँ पर ऑडियो, ऑडियो पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर फोल्डर आ जाएंगे अपने आपके मोबाइल में जो है, और यहाँ पर मैं एक गाना लेता हूँ। ठीक है, तो पहला नंबर में गाना लेता हूँ और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करता हूँ। ओके, तो हमारा गाना आ रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं लोडिंग ले रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा गाना, गाना को आप कट पेस्ट यहाँ पर जो करना आपको कर सकते हैं। तो मैं इस गाने को, ये एलन गाना है और एलन वाकर का ही दोनों गाना है, तो मैं यहाँ पर इसकी आवाज़ जो है मैं यहाँ पर कम कर दूंगा। ओके,
तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके और पेंसिल पर क्लिक करना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम इसको पूरा कम कर देना। ओके, और यहाँ पर बस देखते हैं क्या आखिर आवाज़ आती है। ठीक है, तो जैसा कि देखा आपने यहाँ पर आवाज़ यहाँ पर पूरी सारी पूरी मतलब यहाँ पर बदल गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जितना आपको जैसे मान लीजिए हमको गाना यहीं तक रखना है। ओके, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर कर्सर ला के यहाँ पर और इस पर क्लिक करना और इस पर देखिए ये कट है स्प्लिट कर देना और ये वाला जो भाग बचा है डिलीट कर देना। ठीक है, डिलीट हमने कर दिया तो आपने देखा। और इसको भी हम लोग अगर इसके आगे अगर बजाएंगे तो आवाज़ ही नहीं आएगा। तो आवाज़ फिर से लाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, इस पर फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर स्प्लिट कर देना है। तो जैसा कि यहाँ पर दो भागों में बट गया तो हमको इस पर क्लिक करना है, इस पर, और यहाँ पर देखिए पेंसिल पर क्लिक करना और यहाँ पर वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम जो हमने जीरो कर रखी थी उसको मैक्सिमम कर देना है और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम फिर से गाना प्ले होगा। ठीक है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा। तो ये था हमारा पावर डायरेक्टर का पूरा ट्यूटोरियल। तो अगर आपको इससे कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है या फिर इफेक्ट्स या फिर इफेक्ट देने में आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ भी रिलेटेड है तो आप हमको मतलब कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें यह प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर से जरूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और सॉरी दोस्तों, लास्ट में बच गया हमारा एक्सपोर्ट, तो लास्ट में एक्सपोर्ट बच गया। तो यहाँ पर आप ये कॉर्नर में देख रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना आपको और यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस वीडियो। ठीक है, और प्रोड्यूस वीडियो यहाँ पर देखिए और सेव टू गैलरी पर क्लिक करना। आपको फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है कौन सी, तो मैं HD फुल HD लेता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देखिए इंटरनल या एक्सटर्नल स्टोरेज आपको जो करनी है कर लीजिए। आप प्रोड्यूस पर क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है वीडियो एक्सपोर्टिंग चालू हो जाएगी, प्रिपेयरिंग और इसके बाद एक्सपोर्टिंग। मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा स्टार्टिंग होगी आप प्रोड्यूसिंग मूवी। ठीक है, तो आप अपने मोबाइल में कर सकते हैं। तो मैं यहीं पर वीडियो एंड करता हूँ। अगर इससे आपको कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, हमें तो ठीक है तो